hello friends hope you are doing good and watched my earlier lectures of differentiation and integration if you have not watched yet kindly go through my channel link in the description in continuation with integration today we will see where to apply integration this is the most important part of integration because from here only you will be able to frame the equation of integration and then use mathematics to solve it so let's start लेक्चर आई uh, कि इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं राइट सो वाई एंड हाउ वी हैव डन हाउ मीन्स व मैथमेटिक्स बिहाइंड था नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वेयर वी अप्लाई इंटीग्रेशन ठीक है क्योंकि यहीं से हमारा वी विल बी एबल टू फ्रेम आवर इक्वेशन है ना तो अभी देखो कि कैसे कब लगाते हैं यह जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सपोज करो कोई एक बॉडी है ऐसा जो एक्स इक्ल टू जीरो पे रखा हुआ है इस तरीके से ठीक है और ये स्ट्रेट लाइन में ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा पूरा इसमें इसको डिस्प्लेस करा के हम यहां से यहां ले आए एक्स इक्वल टू टू पे ठीक है और इस पे कॉन्स्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा था एफ इक्वल टू टेन न्यूटे करेक्ट तो तुमने जो अभी नाइन्थ टेंथ तक जो पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला वो क्या होता है सिंपली वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट राइट अब तुम्हें उस समय शायद बताया नहीं गया हो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था इस फॉर्मुला में वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट वॉज शुड बी कॉन्टेंट ओके देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस समझ में आ रहा है constant का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ये जो टेन न्यूटन जो फोर्स का वैल्यू था दिस विल रिमेन टेन न्यूटन थ्रू आउट मतलब यहां से लेके यहां तक ये इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा टेन न्यूटन ही होगा ठीक है देन यू कैन इजिली अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू कैन सिंपली राइट तक 2. 2 आया. तो right? इसमें कोई दिक्कत नहीं था बहुत ईजी था चलो भाई बढ़िया है अब आओ ऐसा क्वेश्चन मान लो अगर तुम्हारे पास अब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए ये क्या है तो सेम चीज X इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक है उसको डिस्प्लेस करके मुझे ले जाना एक्स इक्वल टू टू तक स्ट्रेट लाइन में एकदम ठीक है

ठीक है तो बेसिकली कहने का यहां ये मतलब है कि इसके पूरे पाथ में मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक आया एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू टू तक तो हर एक पॉइंट पे कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं यहां पे कोई भी तो हर एक पॉइंट पे इस फोर्स का वैल्यू जो था द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स वॉज वेरिंग राइट with x मतलब x equal to point one रखो point two रखो 1, whatever, whatever you, want, you keep between zero and two यू will get a डिफरेंट वैल्यू ऑफ फोर्स दिस means दैट दिस फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट बट दिस फोर्स इज ऑल्सो वेरिएबल विद डिस्प्लेसमेंट राइट तो इन दिस केस अब इसको कैसे ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास क्या है या तो इसको बहुत छोटे 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 पॉइंट में बांट लो और हर पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट करो टेन इंटू एक्स प्लस टू करके और फिर सबको एड करो तो वो तो तुम्हारे पता नहीं कितना दिन लगेगा उसको सॉल्व करने में ठीक है तो इसलिए तुम्हारे पास एक टूल दिया गया है राइट right? वो कौन सा टूल है अभी बताते हैं देखो यहाँ पे वही लिखा गया है फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहां पे वी कैन नॉट यूज द फॉर्मुला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपली वर्क डन कैलकुलेट नहीं हो सकता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट से राइट right? तो अब तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज आना चाहिए कि जब भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी वैरी कर रहा है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ ठीक है और कोई इंटर रिलेशन है दोनों के बीच में जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी निकालना है जैसे इस केस में वर्क ड निकालना था ठीक है वर्क डन इज डिपेंडेड ऑन टू फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फिजिकल क्वांटिटी है नाउ दिस फोर्स इज वेरिएबल क्वान्टिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन वॉट इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्स इट सेल्फ राइट तो इस केस में तुम्हारे दिमाग में तुरंत से आना चाहिए क्योंकि फोर्स वेरिएबल अब हो गया तो डेट इज वाई वी नीड टू यूज इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है अभी हम आगे इसमें बताएंगे नेक्स्ट लाइड में कि ये इक्वेशन लगा के फ्रेम करते कैसे हैं ये तुम्हें पॉइंट समझ में आना जाना चाहिए था अभी कि हम इंटीग्रेशन लगाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पे वेरी कर रहा था राइट right? चलो अब नेक्स्ट लाइड देखते हैं अभी देखो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स इंटीग्रेशन इज ठीक है जो समझाया था लेकिन अभी और अच्छे समझते हैं examples, है? वो बेस्ट वे है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग है ना तो वही अभी हमने जो क्वेश्चन जो देख रहे थे उसी को देखते हैं एफ इक्वल टू टेन एक्स प्लस टू इस तरह से फोर्स एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल पे जो एक्स इक्वल टू जीरो पे है और ये स्ट्रेट इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ एक्स इक्वल टू टू तक ठीक और ये फोर्स वेरिएबल है टेन एक्स प्लस टू ठीक है पार्टिकल तो समझ में आ गया ठीक है अब अब एक तुमको हम बेसिक हिंट दे रहे हैं इस ये जो हमने लिया है इसका मैंने ये स्टेप्स दिखाया है कि ये कैसे लिया है ठीक है अब ऐसा नहीं कि यही यही स्टेप्स हर क्वेश्चन या हर कंसेप्ट के लिए जरूरी नहीं होगा राइट बट बेसिक इसी टाइप से होगा ये कहने का मतलब है इसमें ठीक है तो इसके लिए मैंने लिख दिया है ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मतलब तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आए राइट नाउ इसमें करना क्या होता है ये समझते हैं पहले फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट क्या मतलब है say, देखो दिस इज द इनिशियल पॉइंट राइट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ठीक है पार्टिकल में फोर्स ये जो एफ यहां से लगना स्टार्ट होगा और ये ग्रेजुअली क्या होता जाएगा In, uh, मतलब वेरी करता जाएगा और इस इक्वेशन के हिसाब से जैसे से x x जैसे एक्स बढ़ेगा ठीक है एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसी हिसाब से क्या होगा फोर्स भी बढ़ना स्टार्ट होगा ग्रेजुअली समझ में आ रहा है एक्स चेंज करते जाओ एक्स इक्वल टू वन रख लो तो ट्वेल्व हो जाएगा टू रख लो तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू हो जाएगा ठीक है तो उस बीच में भी यह था बढ़ता जाएगा तो करते कैसे हैं इस चीज को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना की प्रोसेस क्या लगाते हैं हम कहीं भी ठीक है तो ये मोटा मोटा हर केस में इसी तरीके से ही लगाया जाता है इसमें क्या करते हैं हम जो यहाँ पे लिखा हुआ था ये स्टेटमेंट दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट समझ तो ये देखो यहां लिखकर दिखाया है कि सपोज करो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे ये जो रेड लाइन दिख रहा है तुमको ठीक है तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे पे अगर पार्टिकल होता इस पॉइंट ठीक है तो उस समय कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होता एफ है ना वो, वो इसी इक्वेशन के हिसाब से करेक्ट उसमें टेन एक्स प्लस टू इतना फोर्स कर रहा होता उस टाइम पे ठीक है अब नाउ द पार्टिकल बाई इनफाइना का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी समझाया था

एक्स प्लस टू इट रिमेन सेम मतलब सेम है उसका वैल्यू नहीं है टेन एक्स प्लस टू ही है ना अब देखो अब नाउ वीड टू डू नाउ यू कैल्कुलेट अभी क्या हुआ होगा देखो माल यहां हमने क्या बोला कि एक कोई पार्टिकल है ठीक है इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है कितना टेन एक्स प्लस टू राइट दिस ओनली टेन एक्स प्लस टू और इसको डिसप्लेस किया है हमने कितना से यहां जो उसका डिस्प्लेसमेंट हमने दिया कितना डिस्प्लेसमेंट किया है इसको

छोटे 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 बहुत सारे डीएक्स होंगे स्टार्टिंग में भी होंगे तो इट इज राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन्फाइट नंबर ऑफ डीएक्स होंगे इसमें ठीक है और हर एक पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू क्या रहा होगा कुछ डिफरेंट रहा होगा ड्यू टू दिस एक्स ठीक है तो उस डीएक्स में हर डीएक्स में उस तरह से वर्क डन इक्वल टू एफ डीएक्स कैलकुलेट करके यू सिंपली नीड टू एड ऑल ऑफ देम ठीक है तो ये एडिशन इस तरह का डीएक्स वाला एडिशन करने के बाद हमारे पास कौन सा टूल है इंटीग्रेशन है तो इज वी विल सिंपली सिंपली राइट इंफानाइटेमल वर्क डन तो जो छोटा 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 डी डब्ल्यूज थे डी डब्ल्यू बहुत सारे होंगे उसमें तो उन सबको ऐड करना है तो बेसिकली इट इज सिंपली इंटीग्रल डी डब्ल्यू ठीक है तो दिस विल गिव यू नेट वर्क डन ठीक तो अब भी लगा देंगे जैसे क्या, तो तो क्या चीज था यहाँ पे देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात क्यों आ रहा है क्योंकि तुम्हें दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू जीरो से लेके कहां तक, तक, तुम्हें पहुंचना X 2 तक पहुंचना है एक्स इक्वल टू टू तक पहुंचना है ये तुम्हें मालूम है राइट तो, तो दट इज वाई यहाँ पे तुम डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगाओगे कि ये डी था तो डीएक्स कहां थे, कहां तक जाना चाहिए तो मेरा जीरो से स्टार्ट होगा और तक तक जाएगा टू तक जाएगा लोअर लिमिट लिमिट इज़ एंड अपर विल बी समझ में आ गया तो अब बस अब अब बहुत सिंपल है अब तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया क्यूं? इंटीग्रल जीरो तू तू, 10x प्लस -एक्स। इसको सॉल्व करोगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो इंटीग्रेल जीरो होता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो 2, तो और square, मतलब जाएगा टेन एक्स स्क्सर एक्सर मतलब क्या जीरो से टू समझ में आ रहा है तो और टू और टेन कैंसिल करके फाइव हो जाएगा ट्वेंटी तो आएगा और इंटीग्रियल टू डी एक्स वाले जीरो ट्वेंटी फोर क्लियर हुआ यहां तक तो दिस इज वन एग्जाम्पल हाउ टू फ्रेम इक्वेशन सबसे पहला बात कि इक्वेशन कैसे फ्रेम यही मैं तुम्हें एक अपने वीडियो में समझाया था कि फिजिक्स में इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू फ्रेम द इक्वेशन ठीक है अगर इक्वेशन तुम फ्रेम कर लिए उसके बाद तो मैथमेटिक्स है ठीक है यही चीज इंपॉर्टेंट था इसमें जानने के लिए ठीक है तो नाउ आई थिंक यू गॉट द आंसर ऑफ वेयर इंटीग्रेशन इज अप्लाइड ठीक है अभी नेक्स्ट स्लाइड में और तुमको क्लैरिटी आ जाएगा जब मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को चलो आगे देखते हैं अब एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं डेंसिटी रो ऑफ अ सॉलिड स्फीयर एज रो इक्वल टू इसको रो कहते हैं ठीक है ये जो सिम्बॉल है इसको रो पढ़ा जाता है अब चूंकि तुमको जब फिजिक्स पढ़ते चलोगे तो देर विल बी यू नो देर विल बी मेनी ग्रीक कॉन्स्टेंट्स जो तुम्हें जानने होंगे ठीक है बहुत सारे बहुत सारे मतलब धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे इन सब चीजों से ठीक है तो डेंसिटी रो कहते हैं मेरे ख्याल से तो तुम लोग पढ़े भी हो गए ये चीज कभी ये सिम्बॉल उसी का है रो का तो डेंसिटी रो ऑफ सॉलिड अडियर वेरी रो इक्वल टू टू आर वेर आर इज सेंटर ठीक है, radius, क्या मतलब है भाई? देखो, यहां पे ये है एक ठीक है इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर अब बोल रहा है इसका जो डेंसिटी है ठीक है डेंसिटी इसका है वो वैरी कर रहा है कैसे रो इक्वल टू टू आर से मतलब कि यहां से यहां जैसे जैसे बढ़ते चलोगे धीरे धीरे यहां तक ठीक है तो इसका डेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा आर का मतलब ये होता है कि ये स्फीयर है राइट तो इसमें अगर एक अंदर में एक कंसेंट्रिक स्फीयर को देखोगे कंसेंट्रिक हॉलो स्फियर का बात कर रहे हैं ठीक है सॉलिड स्फीयर का नहीं हॉलोस्फियर का बात कर रहे हैं अगर कंसेंट्रिक हॉलोस्फियर अगर बनाओगे एक शेल जिसको कहते हैं ठीक है थीके? ऐसा सेल बनाओगे तो इसका इस पूरे कंसेंट्रिक ये जो रेड वाला मेरा स्फीयर जो बन रहा है सिर्फ उतना ही ठीक है ये ब्लू वाला पूरा फटाके सिर्फ ये स्पीय जो होगा इसका डेंसिटी कितना होगा टू टाइम्स आर होगा अगर इस कंसेंट्रिक स्पीयर का रेडियस अगर स्मॉल आर है तो ये बात समझ में आया या नहीं आया ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस में ठीक है और इस अभी से मैं तुमको इसलिए इन सब से यूज टू करा रहा हूं क्योंकि बाद में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज होगा ग्रेजुअली ठीक है तो तुम अभी तो थोड़ा सा दिमाग लगाने का दिमाग पे जोर डालो और समझने का कोशिश करो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा दिमाग लगाओ समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं सुनना ध्यान से मैंने ये बताया कि यहां पे इसका डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है ठीक है तो यहां पे ये जो स्फीयर है मेरा ये ब्लू वाला तो हम इसमें इसके, ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि एक कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर बनाते हैं ठीक है थीके? तो उसका इस पॉइंट से हर उस स्फीयर का जो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर होगा उसका हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा रेडियस डिस्ट् के बराबर उसका तो वो मान लो आ रहा है ठीक है तो इस जो रेड वाला सिर्फ दिख रहा है जितना पार्ट उतने पार्ट का जो डेंसिटी होगा इट विल बी इक्वल टू टाइम्स आर समझ गए चीज हम समझाए थे अभी ठीक है अब चलो अब आगे इसको देखते कि बनाना कहते हैं यह है क्या चीज तुमको बोला गया है फाइंड द मास निकालने मास इक्वल टू तुमको सिंपल फॉर्मूला पता है मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ठीक है अब पहली बात यहां पे ये यह है कि हम डायरेक्टली वो चीज क्यों नहीं लगा सकते हैं कि इसका वॉल्यूम मुझे पता है वॉल्यूम कितना होता है स्पीय का फोर बाई थ्री पाई मतलब रेडियस कितना दिया आर क्यूब तो आर क्यूब ठीक है फोर बाई थ्री दे और डेंसिटी रो से उसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये मेरा मास आ जाएगा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो कोई बता सकता है अभी अभी तक मैंने जितना एक्सप्लेन किया कोई बता सकता है ये क्यों नहीं कर सकते हैं ये सिंपली इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो डेंसिटी है वन फिजिकल क्वांटिटी ठीक है दिस वेरीज विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी किससे आर के साथ ठीक है एंड नाउ जो मास जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी निकालना है मास

तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे रेडियस आर का ये जो है ना तो ये हॉलो है इट इज जस्ट स्फीयर बस है तो डेंसिटी ऑफ दिस हॉलो स्फीयर जो होगा उसका डेंसिटी क्या होगा रो इक्वल टू तो टू आर होगा क्योंकि ये आर रेडियस पे स्मॉल आर रेडियस पे तो इसका डेंसिटी जो मतलब ये जो बाहर वाला जो एक जो उसका लेयर है उसका डेंसिटी होगा सिंपली रो इक्वल टू टू आर ठीक है ये क्लियर है ठीक है अब अब इसमें क्या करना है आप कैसे इसको बनाएंगे अब इसमें तुम्हें यह समझना होगा कि वो इक्वेशन फ्रेम करने का बात आ रहा है कि अभी फ्रेम होगा कैसे आखिर ठीक है ना तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए तुमको पता है कि मास इक्वल टू तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है डेंसिटी अभी तुमको वो उस वाले पोर्शन का तो पता चल गया कि आर रेडियस का जो है तो इस पॉइंट पे इस वाले एजेस पे ठीक है इसका डेंसिटी तो तुमको मालूम चल गया कि इट इज टू आर अब एक और चीज निकालना है ना वॉल्यूम निकालना है ठीक है तो दिस स्फेरिकल सेल, अब ये ये इसमें मत करना अपना कि दिस स्फेरिकल सेल जो हम बोल रहे हैं वो नहीं, रहा है। ये हमको, ये हमको नहीं जानना है थ्री बाई फोर बाई थ्री पाई ये वॉल्यूम नहीं चाहिए मुझे क्यों क्योंकि देखो किसी भी चीज का जब वेट निकालना होता है किसी भी चीज का अगर वेट निकालना है ठीक है तो उस केस में तुम्हें क्या चाहिए होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कौन सा वॉल्यूम होता है जो मटेरियल का वॉल्यूम होता है वो होता है ठीक है ना कि पूरा वॉल्यूम मतलब अगर हॉलो है तो इन दैट केस अगर हॉलो आ रहा है तो हॉलो के केस में अंदर तो हवा है ना बाहर में सर्फेस है तो जो सर्फेस का जो थिकनेस होगा ठीक है तो वो पूरा जो सर्फेस ऐसे गोल सा बन रहा होगा तो उस सर्फेस के थिकनेस का हमें क्या चाहिए होता है यू नीड द वॉल्यूम ऑफ दैट ठीक है तब उसको जाकर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब तो मास आएगा क्योंकि एयर का मास तो कुछ लेते नहीं है ना हम लोग समझ में आ रहा है तो बेसिकली हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एक और तरीके से इसको हम तुमको समझाते हैं सपोज करो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ऐसा ठीक है एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका एजलेंस ए एक का ए है एक का बी है ठीक तो इसका अगर हम एरिया तुमसे पूछते रहे हो तुम क्या बता रहे तुरंत से एकदम कि ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी से तो इसका हमको क्या मिल जाएगा एरिया मिल जाएगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं बहुत ईजी अब हम बोलते कि यही जो है ये टी थिकनेस का भी है अब क्या मतलब हुआ भाई ये मतलब ये मान लो रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह है ऐसा इसको ऐसा बनाते हैं ठीक है इसको अच्छे समझो ये ये हम बना दिए ठीक है नाउ दिस ये जो थिकनेस इसका है, ये है टी ठीक है तो ये थिकनेस अगर टी है अब हम तुमको इससे पूछते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा अभी इसका वॉल्यूम आप पूछ रहे हैं ठीक है एरिया तो तुमने निकाल लिया इसको एरिया कहते हैं जो ए इंटू बी आया ये तो निकाल लिया अब इसका वॉल्यूम इसका कितना होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा ये कोई बता सकता है ये सिंपल है तुम बता दोगे ए इंटू बी इंटू टी मतलब क्या ये ए इंटू बी ये क्या था एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल जो इनिशियल जो हम रेक्टेंगल बनाए थे ये इसका रेक्टेंगल है है ठीक अब मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस कर दो टी तो इसका क्या निकल जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा ये कैसे निकला ये समझो ऐसे जो रेक्टेंगल्स थे ये वाले जो रेक्टेंगल थे ऐसे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स को लाके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ ठीक है कितना टाइम्स टाइम्स मतलब टी टाइम्स इतना रख दिया हम एक एक के ऊपर लाके ठीक है तो सिंपली क्या किया ए इंबर तो बैठा देंगे तो कितना टोटल हो जाएगा टी A into B, तो वो टोटल क्या दे देगा तुमको उसका वॉल्यूम दे देगा ठीक है तो ये कंसेप्ट हम बेसिकली तुमको इसलिए बताना चाह रहे थे क्योंकि ये कंसेप्ट का यहां पे यूज आता है इसलिए हम तुमको बताना चाह रहे थे अब कैसे यूज आता है वो समझो अभी तुम्हारे पास क्या है एक हॉलो स्फीयर है ठीक है मतलब उसका सिर्फ बाहर का सरफेस है अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है अगर हम कंसिडर करें यहां पे यहां पे पढ़ो इसको लेट द थिकनेस ऑफ द हॉलो कंसेंट्रेट स्पीय मतलब कि एक बार और हम एक अच्छे से बनाते हैं एक बार ये तुम्हारा हॉलो स्पियर है मेरा ठीक है ना अब हम ये कंसिडर करें कि इस हॉलो स्पीयर का जो थिकनेस है थिकनेस समझ में आ रहा है ना मतलब एक एक तो कोई उसका सरफेस होगा ना अंदर होलो है भले लेकिन बाहर में कुछ एक

तो इस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है अगर वो निकालना हो तो इट्स वेरी सिंपल राइट अगर इसका यहां से रेडियस कितना था आर था ठीक है तो तुमको सिंपली क्या करना है अगर अंदर वाले का अगर ये जो गोल्डन वाला था अगर तुमको इसका एरिया पता चल जाए एरिया ए सरफेस एरिया पूरे का सरफेस एरिया उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके थिकनेस डी आर के साथ ये डी आर डी आर शुड भी इन्फानाइटेमल स्मॉल पहले ये तो पहले ही एजमसन है कि डी आर इन्फानाइटेसिमल होना चाहिए ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ठीक है बहुत कम ठीक है ताकि उस बीच में वो एरिया जो उसका सरफेस एरिया इट रिमेन्सटेंट ठीक है ना तो और डेंसिटी ऑल्सो चेंज इन दिस तो अगर ए कर दोगे सिंपली तो इट इट विल विल गिव गिव यू द वॉल्यूम समझ में आया जो मटेरियल जो यूज हुआ है उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा सिमिलरली जैसे हम प्रीवियस केस में तुमको रेक्टेंगल वाला जो डेफिनेशन जो एग्जांपल लेके बताया था ठीक है तो अगर इतना कोई अगर इसमें समझ गया तो बस तुम्हारा क्वेश्चन बन गया देखो वहां यहां पे वही चीज किया हुआ है कि आर डिस्टेंस पे ये लिया हुआ है यहाँ पे एक हॉलो स्फियर और ये डी जो है ये जो डी दिख रहा है डी आर इन थिकनेस ये जो तुमको रेड में दिख रहा है ना जो रेड पट्टी दिख रहा है ठीक है वो दैट इज डी थिकनेस ऑफ द सेल पूरे सेल का वो थिकनेस है ठीक है तो अब क्या करोगे इट इज वेरी सिंपल नाउ नाउ यू कैन सिंपली फ्रेम द इक्वेशन वेरी इजिल क्यों वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल विल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी विल बी क्या सर्फेस एरिया ऑफ द होलो स्पियर जो मैंने अभी बताया था

पतला पतला छोटा 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 एकदम ऐसे ऐसे डी होते ए, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वो पूरा जीरो से आर इक्वल टू जीरो से लेके इसके पूरे फुल रेडियस तक बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर होते थे डीएक्स होंगे ठीक है तो हर वैसे डीएक्स वाले सेल का अगर मास डीएम मान रहे हैं इसलिए कि वो भी इन्फिनाइट से होगा स्मॉल ठीक है ना तो उसको डीएम को हम क्या लिखेंगे टू आर टू आर क्या था डेंसिटी था मल्टीप्लाइड बाई फोर स्क्वायर डी आर दिस वॉज वॉल्यूम राइट तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो यू विल गेट पाई तो दिस इज बेसिकली द एलिमेंटल मास डीएम ऑफ द दॉलोस्फेरिकल शेल ठीक अब ये तुमको अगर पता चल गया है तो अब सिंपली क्या करना है बहुत ईजी है अब अगर तुम इंटीग्रेट कर दोगे किसको इंटीग्रेट कर देंगे क्यों इंटीग्रेट कर देंगे समझ में आ गया अभी किसको इंटीग्रेट करेंगे तो वही जो हॉलोस्फीयर का आया है वैसे वैसे डीएम को ये वाले डीएम को अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो मतलब बेसिकली क्या करेंगे जितने नंबर ऑफ ऐसे डीएम है सबको एड कर देंगे तो वही करना है मास ऑफ स्पियर क्या होगा टोटल मास ऑफ द स्पियर सॉलिड स्पियर है ना तो अंदर से लेके आर इक्वल टू जीरो मतलब अंदर से लेके बाहर तक में मटेरियल है उसका ठीक है तो डेट विली एम तो बस बैठा दो फिर तुम अपना वैल्यूट इंटीग्रल एट पाई डी आर जो यहां से आया था उसको यहाँ लिख दिए और लिमिट्स लिमिट्स कैसे बैठाएंगे कहां से कहां तक जाना था तुमको यहां से इसके सेंटर से जाना था और कहां तक जाना था बाहर तक जाना था ठीक है क्योंकि मटेरियल तो पूरा भरा हुआ है तो सेंटर से स्टार्ट किया और बाहर तक गए ठीक है ना तो इट विल बी सिंपली जीरो टू टू कैपिटल आर जो उसका बाहर का रेडियस था तो जीरो टू कैपिटल आर ठीक है तो इसको इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा एट पाई को बाहर ले आओ आर क्यू बी आर आर क्यूबी तो क्या होगा आर टू तो दावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन तो आर टू तो दावर फोर बाई फोर जीरो टू आर इसको सॉल्व कर लोगे लोग ये, ये, टू पाई आर टू दी पावर फोर तो सिंपली सिंपली तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा टोटल मास ऑफ द सिलेंडर इज टू पाई आर टू दी पावर फोर ठीक है क्लियर है समझ गया कैसे लगाते हैं ठीक है वेयर यू नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना अभी और धीरे धीरे अब देखो एक ये दो क्वेश्चन जब हम बता दिए हैं तो ये दो क्वेश्चन को तुम अब अच्छे से एक दो बार और एनालाइज करो कि हम बोल क्या रहे हैं क्या समझाना चाहते हैं ठीक है क्या एलिमेंटल मास है क्या एलिमेंटल वर्कडन है dx में क्यों हुआ इसमें क्यों वेरी हो रहा है समझ में आ रहा है ये चीज वो dx वाले पोर्शन में कांस्टेंट है ठीक है तो ये सब एजम्सन क्यों लेते हैं समझ में आया उसके बाद इंटीग्रेशन लगा के कैसे उसके लिमिट लगाएंगे तो एक दो बार और अगर देख लोगे अगर पहला बार में क्लैरिटी नहीं आएगा तो ठीक है भाई कोई जरूरी नहीं है कि पहला बार में क्लैरिटी आ जाए ठीक है तो हो सकता है तुम एक दो बार और देख लो इस वीडियो को तो तुमको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम बता क्या रहे हैं तुमको ठीक है और आगे भी और भी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हारा क्लैरिटी पूरा इसमें आ जाएगा ठीक चलो अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब एक और चीज समझते हैं कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो सेट कैसे करते हैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम तुमको समझाएंगे वैसे ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है सपोज करो एक थिन रॉड है ऐसा उसका लेंथ दिया हुआ है एल ठीक है अब तुम कभी न्यूमेरिकल बना रहे हो या कोई कंसेप्ट देख रहे हो और उसमें अगर इस तरीके से आया है कि ऐसा तुमको लेना पड़ रहा है उसमें डीएल है DL मतलब क्या हुआ इज एलिमेंटल लेंथ 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 ऑन दिस पूरा में ठीक है दिस इज योर डीएल यहां पर जो डीएल लिया गया इन ब्लैक ठीक तो तुम्हारे दिमाग में तो अब तो ये आ गया होगा ना कि अगर ऐसे से डीएल को ये जो डीएल है ऐसे से बहुत सारे डीएल होंगे इस पूरे रॉड में ठीक है सब इन्फानेटाइसिमल बहुत सारे इंफेनाइट नंबर ऑफ डीएल होंगे इसी तरीके से दोनों साइड में ठीक है तो अगर हम इसी को इंटीग्रल डीएल कर देंगे इंटीग्रल डीएल डीएल इन्फाइटिमल लेंथ था इंटीग्रल डीएल कर देंगे तो बेसिकली क्या क्या ऐसे ऐसे जितने भी लेंथ है उन सबको ऐड कर दिए ठीक है उन पूरे को अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा इसका पूरा लेंथ मिल जाना चाहिए राइट लेकिन यहाँ पे लिमिट भी लगाना होगा एक नीचे लोअर लिमिट और एक ऊपर में अपर लिमिट ठीक है तो अभी ये हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि लिमिट कैसे कैसे डिफरेंट कंडीशन पे कैसे लगाते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखो यहां पे तुमको है ना जहां पे भी तुमको इस तरह से आएगा लिमिट लगाने के लिए तो वहां कोशिश करना इस तरीके से कि एक रेफरेंस होना चाहिए एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए एक एंड पॉइंट होना चाहिए ठीक है सिंपली अगर ऐसे रॉड रखा हुआ है ठीक है तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि कुछ उसका कॉर्डिनेट्स तुमको पता चल जाए कि अगर तुम्हें कॉर्डिनेट्स मालूम है तो तुम्हारा वो सबसे सिंपल हो जाता है उसको बनाना जैसे इस केस में अगर हम इस तरह से कॉर्डिनेट ले लेते ये ए और बी है कॉर्डिनेट सिस्टम हम ऐसा रखते हैं ये मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ले, ले लेते हैं ठीक है तो ये ए जीरो जीरो इतना समझ में आता है तुमको कि अगर ए को ही हम जीरो जीरो रख दिए तो ये पूरा लेंथ एल है और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस में रखा हुआ है तो इस पॉइंट का कॉर्डिनेट बी का कॉर्डिनेट क्या होगा एल कॉमा जीरो क्योंकि इसका लेंथ ही पूरा एल दिया हुआ था तो बी यहां तक आ रहा है तो बी का कॉर्डिनेट क्या होगा वाई एक्सिस पे जीरो है और एक्स एक्सिस पे एल है तो इसको एल कॉमा जीरो लिखते हैं समझ गए तो अब इसमें अगर इंटीग्रेशन लगा के देखना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा तो वो देखो ऐसे देखते हैं ए बी जो अभी मैंने तुमको समझाया कि अगर इंटीग्रल डीएल हम कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए एल आ जाएगा ठीक है क्योंकि डीएल इसी का एलिमेंटल अब इसमें लिमिट कहां से कहां डाले इस चीज को समझो ए बी इक्वल टू इंटीग्रल जीरोल यहाँ पे कुछ लिमिट लगाना था ना जो अभी हम तुमको बता रहे थे कि इसको इनडेफिनिट ना छोड़ के इसमें तो हमको डेफिनेट करना था और इसमें इसलिए हमको लिमिट्स लगाने थे तो इसको मैंने क्या लगाया है जीरो टू ए लगाया क्यों क्योंकि मेरा जो इस केस में रेफरेंस था वो ओरिजिन यहाँ था उसके एक एंड पे समझ में आया तो डेट वॉज जीरो और दूसरा एंड मेरा कहाँ था एल पे था तो डेट वॉज तो बेसिकली वाई तो वैरी नहीं कर रहा वाई तो यहाँ पे भी जीरो है यहाँ पे भी जीरो है एक्स एक्सिस पे वैरी कर रहा था कहाँ जीरो से लेके कहा तक गया एल तक गया ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे भी वैरी कराया हमने जीरो से लेके एल तक क्लियर है अब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल टू एल एल जीरो अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू पुट कर दो तो इट विल बी एल माइनस जीरो एक्वल टू एल आना भी चाहिए था जो हमने चाह रहे थे वही हमने निकाल लिया ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं तो ऐसा क्या नया बता दिए इसमें तो अब नया इसमें बताएंगे सपोज करो कि अब मेरा रेफरेंस एक्सिस ऐसा चेंज हो गया कि ये ए है जीरो जीरो नेगेटिव एक्स एक्सिस में रखा हुआ इस साइड दिस इज माइनस एक्स एक्सिस नाउ समझ में आया ये वाई एक्सिस है ये माइनस एक्स एक्सिस है तो अब इसका अगर बी का कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे तो क्या होगा वेरी सिंपल इट विल बी सिंपली माइनस एल कॉमा जीरो कोई दिक्कत नहीं भाई हाँ ठीक है लेंथ है है वो ठीक बट कोऑर्डिनेट्स में बटका कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हाउ मच इट विल बी बी इट विल सिंपली ये सब सबको तो समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखते हैं ना भाई माइनस साइड टू माइनस थ्री करके तो एल पे है तो माइनस एल कॉमा जीरो ठीक ठीक है अब इंटीग्रेशन इसमें कैसे लगा सकते हैं करना वही चीज है हमको लेकिन कैसे लगाएंगे इसमें तो इसमें ऐसे लगेगा ए बी इक्वल टू इंटीग्रेल डीएल ही करना है और एल आना है उसको तो देखो कैसे होगा इसमें इसमें जब हम ए बी निकालेंगे दिस ए बी राइट तो इट विल बी इंटीग्रल लोअर लिमिट अपर लिमिट का जो बात कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पे देखो लोअर लिमिट मतलब क्या हो गया यहाँ पे माइनस एल कॉमस जीरो मेरा लोअर लिमिट था एंड दिस इज क्योंकि कॉर्डिनेट सिस्टम में भी हम किधर से किधर जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं राइट ये जाते हैं ना तो दिस साइड इज लोअर एंड दिस साइड इज अपर और दिस साइड इज लोअर दिस साइड इज हायर साइड राइट इधर प्लस की तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं मतलब माइनस से जीरो पे आए जीरो से आगे बढ़े ठीक है समझ तो में आ गया तो, तो दैट इज वाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ का जो लोअर लिमिट होगा लोअर लिमिट मतलब क्या जो छोटा वाला वैल्यू छोटा वाला वैल्यू क्या है माइनस एल है तो भैया लिख देंगे यहाँ पे माइनस एल ठीक मतलब जहां से जहां जा रहे हैं कहने का ये मतलब है ठीक है वो तुम्हारा रेफरेंस है बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेफरेंस की तुमने कैसे रेफरेंस को रखा है तो मैंने इस तरह था था। से रखा तो हम माइनस एल से माइनस एल से हम जीरो की तरफ जा रहे तो माइनस एल टू जीरो रख दो तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे दिस विल कम टू इसको सॉल्व करोगे तो जीरो माइनस माइनस एल ये तो लिखोगे ना

मेरे मेरे हाथ का चीज है मेरा मेरी मर्जी भैया हम जैसे रखें तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ ऐसा जीरो जीरो जब रखे तो बी का कॉर्डिनेट हो गया एल बाई टू का जीरो और ए का माइनस एल बाई टू का जीरो अब भी तुम तो इंटीग्रेशन लगा सकते हो फिर भी कोई गलत नहीं होगा तुम्हारा तो ए बीटू फिर से वही इंटीग्रल डील करना है तो यहाँ पे अब लिमिट्स क्या लगाओगे आपको बता सकते हैं देखो फिर से वही बात है हम कहां से कहा जा रहे हैं इधर से हम इधर जा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे मेरा लोअर लिमिट था यहाँ पे मेरा हायर लिमिट था तो लोअर लिमिट मेरा क्या है माइनस एल बाई टू समझ में आ रहा है एक रेफरेंस लिख के तभी तो चलेंगे ना भाई कहां से जाना कहां से कहां तक कोई बताएगा तब ना हमको यहां से वहां जाना है कैसे जाना है कोई बताएगा तब ना ठीक है तो बेसिकली यहां पे माइनस एल बाई टू ये मेरा लोअर लिमिट होगा और प्लस एल बाई टू जो है मेरा वो हायर लिमिट होगा यह अपर लिमिट होगा ये क्लैरिटी है सबको फिर यहां पे इसी को सोल्व करोगे तो एल एल माइनस एल बाई टू से एल बाई टू अब इसको सोल्व करोगे तो फिर से तुमको एल मिल जाएगा बेसिकली इस केस में होगा एल बाई टू माइनस और ब्रैकेट के अंदर फिर से माइनस ऑफ एल बाई टू इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट यूल एस एल करेक्ट समझ में आ रहा है तो बेसिकली इसमें ओवरऑल हम तुमको ये समझाना चाह रहे थे कि अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर द एंड वैल्यूज बिटवीन विच द फिजिकल क्वांटिटी वेरीज समझ में आ गया जैसे प्रीवियस केस में जो हमने स्फीयर वाला केस देखा था ये वाला जो स्फीयर वाला केस देखा था इसमें क्या हो रहा था ये कहां तक वैरी कर रहा था ये सेंटर से यहां इस पॉइंट से लेके कहां तक बाहर वाला तक वैरी कर रहा था, था तो मेरा लोअर लिमिट ये सेंटर हो गया था और बाहर वाला लिमिट का यहां तो रेंज है एक लोअर लिमिट अपर लिमिट इन दोनों के बीच में ही वो वैरी करेगा ठीक है ना तो वही उसी को अपर और लोअर लिमिट हम लोग लिखते हैं क्लियर है तो ये यही एक चीज था जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था ठीक है अब चलो अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस और कुछ करके देखते हैं चलो नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग

समझ में टीवल टू जीरो पे अभी एट इक्वल टू जीरो पे हम मैंने कार को स्पॉट किया उस समय इसका जो स्पीड था जो था डेट वॉज यू वन समझ में आ गया अब जब ये U1 पे था तो इस टाइम एटीक्ल टू जीरो पे इसको एक एक्सेलेशन देना स्टार्ट किए हैं ये सब बेसिक टर्म्स है जो मेरे ख्याल से तुमने नाइन्थ नाइन्थ में पढ़ा होगा वेलोसिटी एक्सेलेशन ऐसा पढ़ा होगा ठीक है तो एक्सेरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलेशन दे रहे हैं तो उसका स्पीड क्या होगा इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग ठीक है ना अगर एक्सेलेशन जीरो है अगर एक्सेशन है ही नहीं तो स्पीड क्या होगा इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट समझ में आया तो एक्सेलेशन जब दे रहे तो उसका स्पीड क्या हो रहा होगा बढ़ने लगेगा अब ठीक है तो अब स्पीड जो इसका है वो इंक्रीज करने लगेगा और करते करते एट टाइम टी टी इक्वल टू सेकंड्स पे जब आया ये पहुंचा तो उस समय इसका वेलोसिटी कितना हो गया u2 हो गया ठीक क्योंकि अभी बताया ना एक्सेलरेशन दोगे तो स्पीड क्या होगा इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग तो u1 से लेके कहां पहुंच गया u2 तक आ जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें अब यही चीज तुम्हें निकालना है कि वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ यू टू अब यू टू होगा कितना ठीक है तो अब सोचो कि तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आना चाहिए था अगर ये क्वेश्चन दिखा हमको हमको और इसको सॉल्व करना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आना चाहिए मेरे हिसाब से तुम्हारा दिमाग में ये आना चाहिए यहां पे ये खुद ही लिख रहा है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या कि देखो ये बताना चाह रहा है वो वॉट इज टेलिंग इज़

वेलोसिटी वेलोसिटी इज वेरिएबल हियर राइट चेंज हो रहा है जैसे मतलब एक्सेलरेशन उसको मिला तो उसका वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट किया है ना वेलोसिटी बढ़ने लगेगा तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है राइट right? तो यानी कि इसको हम अब क्या लिख सकते हैं बेसिकली ऐसा हम लिख सकते हैं क्या है इसको डीबीवल टू ए टाइम डी टी ये लिख सकते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं तो सिंपल मैथ्स है मैथी को डी टी को उठाकर इधर से इधर ला दिए मल्टीप्लाई तो कर दिए ठीक है अब यही यहां समझना था कि टाइम इंटरवल जीरो टू टी में जा रहा था जब तो ये जो वेलोसिटी था ये डी ये कंटिन्यूसली वैरी कर रहा था पूरे जर्नी में यहाँ से यहाँ तक ये वैरी कर रहा था मतलब मान लो किसी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी v1 था सपोज करो तो नेक्स्ट अगर ये मान लो टाइम t1 पे था ठीक है अब स्मॉल टाइम dt मान लो स्मॉल टाइम इंटरवल हम dt अगर कंसीडर करते हैं dt टाइम अगर लैप्स होता ठीक है तो उसका क्या होता वेलोसिटी बढ़ जाता कितना हो जाता v1 वन प्लस हो जाता कुछ उसमें ऐड हो जाता समझ में आ रहा है ना क्यों क्योंकि इसके साथ एक्सेलरेशन जुड़ा हुआ है, एक एक है इसमें इस क्या होता है वो बढ़ता जाता समझ में रहा है यानी कि वेलोसिटी ही वेरिएबल है यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक में वेरिएबल क्या है इंटीग्रल डीवी अगर हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर हैं इसका जो छोटा छोटा एडिशन हो रहा है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या लगाएंगे ये बताओ जब स्टार्टिंग पॉइंट था एट टी इक्वल टू जीरो पे मेरा टी इक्वल टू जीरो पे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था ये दिया हुआ है ना द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यून एट टीवल टू जीरो तो कोई एक मिनट हम इसको थोड़ा सा क्लियर करके तुमको फिर से समझाते हैं ये हमारा है ये हमारा टी इक्वल टू जीरो है और दिस इज टी इक्वल टू टी ठीक है इनिशियली जब टी इक्वल टू जीरो पे था तो इसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है तुमको u1 दिया हुआ है ठीक है मैंने तुमको ये बताया कि किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर देखेंगे बीच में कहीं ठीक है तो उस केस में वहाँ पे जब आएगा और उसका है मान लो v अगर यहाँ पे आफ्टर से टाइम t डैश या t1 उसका उसका है मान लो वी वन तो जब dt टाइम लैप्स होगा dt टाइम लैप्स होगा तो इसमें एडअप हो जाएगा कितना वेलोसिटी डी वी एड हो जाएगा तो, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये जो u1 था u1 u1 में हम dv dv small स्मॉल dv इस तरह से कर करके उसमें ऐड करते जा रहे हैं किस पे u1 पे ही ऐड करता जा रहे हैं तो u1 ही तो बढ़ रहा है ना तो u1 बढ़ रहा है मतलब u1 में ही ऐड करना स्टार्ट करेंगे तब तो u1 बढ़ना स्टार्ट करेगा ना ठीक है तो इसका लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सिंपली इट विल बी u1

इसका क्या मतलब तो ऐसे उस हो 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 तो केसेस में इंटीग्रेशन जब लगाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यहां पे लग रहा है क्यों ये तो तुमको समझ में आ गया है क्लियर है इसमें जो लिमिट्स लगाते हैं वो तुमको समझना जरूरी था टाइम इक्वल टू जीरो पे ये इतना होगा और टाइम इक्वल टू टी पे जब आया तो वो ये हो जाएगा यू टू ठीक है अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो ये तुमको पता है लोवी को लिख देंगे u2, u1 u1 a, t. समझ में आ गया तो ये एक इंटीग्रेशन का एक और एप्लीकेशन था तो वही मैंने तुम्हें समझाया कि फिजिक्स में बहुत जगह इंटीग्रेशन का भी आने वाला है, और इसी तरह का एप्लीकेशन आएगा ठीक है तो तुम अगर ग्रेजुअली इन सबको बिल्डअप कर लिया ना अभी थे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा आगे इन सब चीजों को समझना ठीक है चलो अब आगे देखते हैं इसमें ठीक है अब तो इजी है यार अब तुम लोग इसको बना लोगे, मैंने एक एग्जाम्पल भी लेके तुमको समझाया था लास्ट लेक्चर में इसका मतलब क्या होता है मान लो क्या है ये बेसिकली वाई और एक्स के बीच का अगर कोई ग्राफ है दिस दिस साइड साइड इज इज एंड राइट कुछ भी है है मान लो ये 3X square plus 6X plus 7 जो आ रहा है ग्राफ ठीक है वो कोई भी ग्राफ है ठीक है वॉट एवर इट इज ऐसा कोई भी ग्राफ है ठीक है तो उसके अंदर का वो क्या पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है कहां से कहां तक जीरो से लेके टेन तक मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो है और एक्स इक्वल टू टेन तक तो बेसिकली करना क्या होता था एरिया क्या होता है एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते था याद है ना बताया था ये dx लेके जो बनाते थे तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर इंटीग्रेशन अगर कर दोगे विध लिमिट्स लिमिट लिमिट किसको y times, uh, dx को राइट right? अगर y टाइम्स डीएक्स हम कर देंगे तो ये लिमिट कहाँ से कहा जीरो से लेके अगर टेन तक समझ में आ रहा है जीरो तो आ जाएगा इसका पूरा एरिया निकल जाएगा बेसिकली इस कर्व का यही तो बेसिक डेफिनेशन ही था ना समझ में आ रहा है ये पॉइंट ये जो dx लेते थे यहाँ पे ये मतलब कि कोई भी जैसे हमने कर्व लिया था मान लो यही कर्व है सपोज करो तो यहाँ हमने क्या लिखा था ये जो डीएक्स कैलकुलेट करते थे तो इसका वैल्यू इस पॉइंट पे कितना होता था ये वाला इसका हाइट होता था वाई ठीक है दिस इज और इसका थिकनेस कितना होता था ये मानते थे है ना तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप या इनफान डेसिमल स्ट्रिप का एरिया कितना होता था वाई मल्टीप्लाइड बाई सिंपली इट इज इट विल बी वाई मल्टीप्लाइड बाई क्या डीएक्स समझ गए तो वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया आ गया तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंटल स्ट्रिप्स होंगे समझ गए इन्फानेटेसिम एल स्ट्रिप उन सबको क्या करते जाओ सम करते जाओ तो वो कैसे सम होते हैं इंटीग्रेशन से तो बेसिकली अगर इंटीग्रल y dx कर देंगे और लिमिट लगा देंगे प्रॉपर तो यू विल गेट द आंसर ठीक है करके देखना बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है करने में ठीक चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना अ थिन रॉड ऑफ लेंथ l इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन x x 0 एंड l द लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ ठीक है रो ऑफ द रॉड वेरीज है मास ऑफ द रॉड कहने का मतलब क्या है बहुत सिंपल है देखो एक ऐसा रॉड रखा हुआ है इस तरीके से ठीक है कहा पे टू एल ये इस साइड है इसको एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं ये यहाँ पे ऐसा रॉड है एक्स इक्वल टू जीरो है ये और यहाँ पे x इक्वल टू एल है

ये तुम लोग बनाओगे मान लो इसमें डीएक्स लेते हैं हम इस तरीके से ठीक है तो ये डीएक्स जो थिकनेस है रॉड रॉड का का मतलब ये जो लेंथ जो लेंथ है तो इसका अगर हम मास पूछेंगे कि इस का मास कितना होगा तो वो सिंपली क्या होगा उसको हम डीएम लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इन्फानेटेसिमल है तो ये डीएम भी इन्फानेटेसिमल होगा राइट तो डीएम का वैल्यू क्या होगा डीएम विल बी सिंपली ये रो मास पर यूनिट लेंथ रो ही है ना तो ये मास पर यूनिट लेंथ रो मल्टीप्लाइड में क्या डी एक्स अगर ये कर दोगे तो यू विल गेट द मास ऑफ़ सॉल्व करने की कोशिश करना जो भी मैंने अभी तक कंसेप्ट दिया है ये तुम्हारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा ठीक है चलो अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे अडन फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई

और एल है तो इसका ये कॉर्डिनेट क्या हो गया एलकोमा जीरो तो वही एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वो यही होता है कि उसका लेंथ एल है और ये जीरो टू एल पे है और मोमेंट ऑफ इनर्सिया है अबाउट पॉइंट अब जीरो मतलब अबाउट पॉइंट अब इसके पॉइंट के अबाउट तुमको क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनिया आई ये तो कैलकुलेट करना है आई का डेफिनेशन भी दे दिया उसने क्या इंटीग्रल एक्सर टाइम्स डी एम ठीक है तो हिंट मेरा ये है इसमें कि अगर तुमने ये ले लिया एक्स एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस ये जो मैंने लिया है एक्स डिस्टेंस पे कहा से? से यहां से जीरो, जीरो से जीरो से अगर एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे और वहां पे मैंने थिकनेस लिया अगर ठीक है तो इस डी का मुझे क्या चाहिए होगा इस फॉर्मूला में लगाने के लिए ये आई इक्वल टू इंटीग्रियल एक्स है थीके? तो मुझे इस फॉर्मूला में एक्स तो मिल गया ये एक्स हमने ले ही लिया है और डीएक्स थिकनेस लिया है तो बेसिकली इस फार्मूला में मुझे क्या चाहिए डीएम चाहिए वॉट इज डीएम ये जो डीएम चाहिए डीएम है क्या

तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल के साथ तो टोटल मास कितना आ डीएक्स तो तो इंफेटे तो क्या करेंगे सिंपली एम बाई एल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे डीएक्स के साथ ये अगर डीएक्स लेंथ के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे एम बाई एल को वेर एम बाई एल इज दस पर तो डीएम जब तुमको मिल गया एक्स तुमको पता ही है ये तो एक्स यही था जो दिया हुआ है तो इसमें क्या तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे आराम से कर सकते हो इंटीग्रेट ठीक है और लिमिट भी तुमको लगाने आता है लिमिट भी तुम आराम से इसका लगा लोगे तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए ठीक है अब देखो सॉल्यूशन टू ऑल दीज क्वेश्चन किसका किसका डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का दोनों टॉपिक का ठीक है जो तो मतलब टोटल अभी तक तीन हो गए ना तुम्हारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दो ठीक है

Thank you and bye for now. Bye.